ऋषि जागरण के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आज हमारे साथ जुड़े हैं राजा राम त्रिपाठी, जो कि वो मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया, रिचेस्ट फार्मर ऑफ इंडिया के आज के अवार्ड के विजेता है। पुरुषोत्तम रूपाला जी ने आज उनके हाथों से ही रिचेस्ट फार्मर, मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया का अवार्ड राजा राम त्रिपाठी को भेंट किया है। आज हम जानेंगे राजा राम त्रिपाठी जी से कि इनकी उपलब्धियाँ क्या रही है, इनकी खेती क्या रही है और यहाँ तक पहुँचने का इनका सफर कैसा रहा है। जी सर, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कृषि जागरण समूह को और सारे आयोजकों को जिन्होंने मुझे सम्मानित किया। और खेती का सफर देखा जाए तो बड़ा उतार चढ़ाव का रहा। एक समय हमारी स्थिति ऐसी भी आ गई थी जब हमारी ज़मीनें नीलामी पे चढ़ गई और लगा कि कोई रास्ता नहीं, लेकिन हम लोगों ने खेती छोड़ी नहीं, हम लगातार लगे रहे और लगभग 3 दशक का सफ़र है और आज हम लोगों को एक बड़ी उपलब्धि मिली और मैं काफ़ी प्रसन्न, काफ़ी खुश महसूस कर रहा हूँ। हालांकि मैं कहना चाहूँगा एक अकेले राजाराम त्रिपाठी की सफलता नहीं है, ये बहुत सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी सफलता है, विशेषकर बस्तर के उन आदिवासी भाइयों की सफलता है, बस्तर की धरती, वहाँ की जलवायु, सबका योगदान है। मैं सबको धन्यवाद दूंगा और मैं ये अवार्ड उनको ही समर्पित करता हूँ। जी बिल्कुल, तो जैसे कि खेती के कई प्रकार होते हैं तो आप किस प्रकार की खेती करते हैं, कृषि जागरण के दर्शक भी जानना चाहते हैं, MFY के जो भी दर्शक हैं वो भी जानना चाहते हैं, देश के किसान भी जानना चाहते हैं, ताकि वो 2023 से अगर 2024 में मिलेनियर फार्मर रिचेस्ट का अवार्ड वो भी ले सके, वो भी ये यहाँ हासिल हर कदम पर साथ में किसानों के चलना एक बहुत ही बड़ी बात है। जैसे आपने कहा कि किसानों को साथ में लेकर चलना, वो ये किसानों के लिए समर्पित है रिचेस्ट फार्मर अवार्ड, लेकिन किसानों के लिए आपका विचार क्या है? देखिए, हम जो खेती कर रहे हैं वो मसालों की खेती है, हर्बल यानि मेडिसिनल प्लांट की खेती है, एरोमेटिक यानि सुगंधी पौधों की खेती है और मूलतः हम बड़े पेड़ लगाते हैं और बड़े पेड़ों के नीचे छोटी छोटी झाड़ियाँ लगाते हैं और फिर नीचे रूट क्रॉप यानी कंदवर्गीय फसलों की खेती करते हैं। इससे आप बहुस्तरीय खेती कर सकते हैं और या यूँ कह सकते हैं हमने नकल किया जंगल का, जंगल में जहाँ बड़े पेड़ छोटे पेड़ सब होते हैं और कोशिश किया कि ऐसी फसलों को उगाए जो इंडिया और एब्रॉड यानी ग्लोबल मार्केट में भी जिनकी अच्छी डिमांड हो। तो मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड है उसको देख के अगर हम खेती करते हैं, नई फसलों को खेती करते हैं, नए तकनीक को लेते हैं और गुणवत्ता को बनाए रखते हैं। हम भारत के पहले सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मर हैं जो 1996 में ऑर्गेनिक सर्टिफाइड ऑर्गेनिक खेती चालू किया और इंटरनेशनल ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन लिया। तो चूंकि ग्लोबल मार्केट में अगर आपको जाना है, घुसना है, तो पहली शर्त है कि आपकी क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए, उसमें कोई केमिकल नहीं होना है, रेड्यूस नहीं होना है। तो अमूमन हम लोग उसको गंभीरता से नहीं लेते हमारे किसान। अगर आगे बढ़ना है तो मेरा मानना है कि क्वालिटी पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जी बिल्कुल, तो जैसे ये आपका किसानी दौर रहा है तो इसके साथ आपके साथ कितने किसान जुड़े हैं, आपके खेतों के साथ कितने किसान काम करते हैं? ये बस्तर में जहाँ पे हम खेती करते हैं, बस्तर छत्तीसगढ़ में दक्षिण भाग में आता है, कोंडागांव जिला है, जिला मुख्यालय से लेके जगदलपुर के बीच हमारे करीब 700 किसान साथ में जुड़े हैं और इसके अलावा 25,000 के आसपास टोटल किसान जुड़े हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। पूरे भारत के करीब 60 से 70 हज़ार किसान, हमारी एक संस्था है सेंट्रल हर्बल एग्रो मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो नो प्रॉफिट वाली संस्था है। हम एक मार्केटिंग प्लेटफार्म बनाए हैं, उसके जरिए हर किसान को जो जैविक उत्पाद उगा रहा है, विशेष करके मसाला और हर्बल, उसको हम मार्केट दिलाते हैं। बिल्कुल, तो हमारे मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया के इस अवार्ड में कृषि जागरण द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, तो ये कार्यक्रम के विचार पे आप क्या विमर्श करना चाहोगे? देखिए, मेरा मानना है इस तरह के प्रयास बेहद जरूरी थे और कृषि जागरण को इसका श्रेय जाना चाहिए कि खेती जहाँ की निराशा का माहौल है, जहाँ की आप देख रहे हैं कि किसान कई क्षेत्रों में आत्महत्या कर रहे हैं, ऐसे जगह पे पूरे देश में ढूंढ ढूंढ कर सफल किसानों को ले आना और एक उदाहरण प्रस्तुत करना, इससे दो बातें होंगी, एक तो निराशा का वातावरण घटेगा, दूसरा किसानों में आत्मविश्वास आएगा कि जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, तीसरा जो सफल किसान है उनके तकनीक के, उनके तरीकों को देख के
अन्य किसान भी सफल हो सकते हैं। मैं तो कृषि जागरण से अनुरोध करूंगा कि देश के किसानों के दल को हमारे फार्म पे ले आए, मैं उनका खुले दिल से स्वागत करूंगा और हम बिना कुछ छुपाए हम जो भी हम कर रहे हैं, हमारी सफलता के जो राज हैं उनके हम देश के किसानों के साथ बांटने के लिए तैयार हैं। कृषि जागरण इसका एक सशक्त माध्यम बन सकता है, मीडिया के जरिए, उनके पत्रिका के जरिए, और चाहे तो किसानों के दल भी वहाँ पे भेज सकते हैं। भारत सरकार भी किसानों के दल भेज सकती है। कई राज्यों के किसान समूहों में हमारे खेतों पे रोजाना आते हैं और अब तक करीब 16 लाख के आसपास किसान वेबसाइट के थ्रू और खुद वहाँ पे आके सीख चुके हैं पिछले 30 सालों में। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ 2023 मिलेनियम फार्मर अवार्ड, रिचेस्ट फार्मर अवार्ड राजा राम त्रिपाठी आज हमारे साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जुड़े थे। ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहे कृषि जागरण और राजा राम जी त्रिपाठी का मैं खूब खूब बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद।